ओके बेटा एंड समथिंग एल्स जेस उसके अलावा जेस ही सेड मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो मोशनिंग मीन जेस्टरिंग ठीक है मोशनिंग मीन जेस्टरिंग इशारा उन्होंने मुझे किया फॉर मी टू फॉलो हिम कि मैं उनको फॉलो करूँ उनकी पैरवी करूँ उनके पीछे चलूँ टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग क्लियरिंग के ऊपर वाला जो हिस्सा था उसकी तरफ ठीक है जो कतर जमीन था उसका जो बलाई हिस्सा था उसकी तरफ मैं उनकी जो है वो पैरवी करूँ यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 80 कहते हैं कि तुम समझ नहीं सकोगे जब तक जो तुम्हें 70 ईयर्स के नहीं हो जाते ठीक है आफ्टर दिस ईयर्स योर टाइम इज बॉरवर्ड अच्छा कहते हैं कि बॉरवर्ड मीन टेकन कि जो उधार लिया होता है कि इसके बाद का जो वक्त है आफ्टर 70 इफ यू लिव 70 ईयर्स ओल्ड लाइफ सो द नेक्स्ट टाइम दैट यू विल लिव इट इज़ योर बॉरिंग टाइम ठीक है कि वो आपका उधार का वक्त होता है एंड वेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम अगर जब आप उस वक्त पे ज़िंदगी गुजारते हो समटाइम्स समथिंग गोज बैक तो कुछ जो है वो वापस चला जाता है ठीक है समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन कुछ ऐसी चीज़ जो कि जिसको मैं वजाहत नहीं कर सकता यू गो बैक टू द प्लेसेज यू न्यू एंड लव्ड तो तुम उन जगहों पे जाते उन जगहों पे जाओगे जाते जहाँ जिनको तुम जानते हो और जिनसे तुम मोहब्बत करते थे सी दिस स्टीप हिल ये जो अमूदी चट्टान है ये ढलवानदार है ठीक है स्टीप हिल ढलवानी जो चट्टान है स्लोप चट्टान जो है कहते कि इसको देखो ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड द डीप वैली बिलो ये पॉइंटेड मीन उन्होंने इशारा किया डाउन ये पॉइंटेड डाउन उन्होंने नीचे इशारा किया फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग अब जो कहता है जमीन का ऊपर वाला जो हिस्सा था ठीक है जो एज था रिम का एक बेटा मीन एज भी होता है सर्कल भी हम कह सकते हैं फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग तो कहता है जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा था ठीक है ऊपर वाला एज था टूवर्ड द डीप वैली बिलो नीचे जो गहरी वादी थी उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया योर मदर एंड आई व्हेन शी वॉज 19 एंड आई वॉज 22 क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर कहते हैं कि हमने इस जो है पहाड़ी को इकट्ठे साफ किया था जब तुम्हारी मदर जो थी वो 19 साल की थी और मैं जो था वो 20 साल का था ओके बेटा यस नेक्स्ट पेज वी रेस्ड कॉर्न बीन्स एंड पम्पकिंस हियर ही कंटिन्यूड हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट अच्छा जी क्या कह रहे हैं कि वी रेस्ड कॉर्न बीन्स एंड पम्पकिंस हियर हमने यहाँ पे कॉर्न्स उगाए ठीक है पम्पकिन उगाए बीन्स उगाए बीन्स फलियाँ होती हैं कॉर्न मकई और पम्पकिन और कद्दू वगैरह हमने यहाँ पे उगाए ठीक है ही कंटिन्यूड हिज वॉइस राइजिंग इन एक्साइटमेंट अब उनकी जो एक्साइटमेंट के साथ थ्रिल के साथ जोश के साथ उनकी आवाज़ होती बेटा वो बुलंद होती गई ही टॉक विद हिज हैंड टू और अपने हाथों से भी बात कर रहे थे दोज वर द डेज वो दिन थे दिस वॉजंट द लैंड वन हैज टू बिल्ड अप कहते ये वैसी ज़मीन नहीं थी कि जिसको इंसान को बनाना पड़ता है समवन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इट वॉज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट एंड वी हैड टू डू वॉज टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुश कहते हैं कि ये वो ज़मीन थी जिसको अल्लाह ताला ने पहले से बना दिया था एंड वॉट वॉज आवर वर्क वी हमने इसको क्या किया कि हैज़ मेड इट एंड वी हैड टू डू वॉज टू क्लियर द ट्रीज हमने दरख्तों को साफ किया एंड बर्न द बुश और झाड़ियों को जला दिया आई प्लो द दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम कहते हैं जो मैंने पहली दफ़ा इस माउंटेन को साफ किया इसमें हल चलाया तो मवेशियों के साथ चलाया इट वॉज एवर प्लॉफ्ड ठीक है कहते द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लॉफ्ड कि जब पहली दफ़ा इस पर हल चलाया गया तो मैंने मवेशियों के साथ चलाया एंड वी रेस्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक और कहते हैं कि हमने जो है वो बैरल मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक कहते हैं कि हमने जो है वो एक बैरल में एक टन जो था उससे थोड़े से ज़्यादा जो है वो उगाए क्या चीज़ कॉर्न That's why I came back up here. इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया I went back to our youth मैं अपनी जवानी में वापस चला गया And this was the only land left like that was. कहता कि ये वही ज़मीन थी जिसको इस तरह से छोड़ दिया गया था And just he bragged. Brag mean say something proudly. अच्छा जी Regardless of my 3 score years and 10, I plowed it. कहता है कि regardless, anyhow. ठीक है रिगार्डलेस मीन एनी हाउ कि मेरी 70 साल की उम्र के बावजूद आई प्लोड इट मैंने इसमें हल चलाया प्लो इट विद अ म्यूल म्यूल कहता है बेटा खच्चर को जो गधे की टाइप का एक जानवर होता है ना उसको खच्चर कहते हैं तो कहते हैं कि मैंने एक खच्चर के साथ इस पर हल चलाया आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प डन ऑल द वर्क कहते हैं मैंने थोड़ी सी मदद के साथ सारा काम किया इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स कर्स एवरी इवनिंग
कहते ये वो वक्त था या वो ज़मीन थी जहाँ के मैंने तुम्हारी वालदा ने जो है वो हमने एंड आई यूज टू फार्म हेयर, हम यहाँ पे काश्तकारी किया करते थे। मैंने ब्रॉट माई गन, जब मैं अपनी गन लेके आता था, बंदूक यहाँ पे लेके आता था, टू द फील्ड एंड टुक होम अ मेस ऑफ ठीक है, बहुत ज़्यादा गिलहरियाँ जो हैं एवरी इवनिंग हर शाम में बहुत सारी गिलहरियाँ साथ लेके जाता, मीन टू से उनका शिकार करता था, ठीक है। ओके, आई लुक एट द वेस्ट माउंटेन स्लोप बिलो वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म, कहते कि मैंने जो, अब ये ऑथर अपनी बता रहा है कि मैंने जो है वो नीचे ज़मीन में देखा, वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो वेयर माई, जहाँ पे मेरे फादर मदर ने जो है वो काश्तकारी की थी, माँ बाप ने काश्तकारी की थी, एंड आई कुड रिमेंबर ईयर्स लेटर वैन दे फार्म दिस लैंड, और मैं कई सालों बाद ये चीज़ याद कर सकता था जब उन्होंने इस फार्म पे काश्तकारी की थी। इट वाज ऑन द स्टीप स्लोप, इस जो है वो स्टीप स्लोप थी, अमूदी जो ढलान थी, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लो, इस मेरे फादर ने मुझे एक छोटा सा जो है वो लकड़ी का हल बना के दिया था, दैट वॉज वेन आई वॉज सिक्स ईयर्स ओल्ड एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू दिस कॉर्न टू थिन कॉर्न, और जब अभी जो मकई थी इतनी पकी नहीं थी तो तब वो मुझे इस फील्ड में लेके आए थे, ठीक है। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो, फरो कहते बेटे लाइन को, ठीक है, मतलब क्यारी को, कहते कि मैंने एक जो क्यारी थी उसमें अपना छोटा सा प्लो खो दिया था, एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं बहुत ज़्यादा रोया था, अनटिल ही मेड मी अनदर प्लो, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे दूसरा प्लो बना दिया था, दूसरा हल बना दिया था, बट आई नेवर लव द सेकेंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन कहता कि मैं दूसरे प्लो की इतना ज़्यादा प्यार ना कर सका, ये इतना मुझे वो पसंद ना आया जितना कि मुझे पहला पसंद था। ओके बेटा, यू विल रिवाइज, यू विल मेमोराइज द सिमिलर वर्ड्स, द सिमिलर मीनिंग्स with by your heart, and you will also learn the transition. Okay students, it's enough for today. Inshallah, we will see you tomorrow. Till then, stay blessed and be happy. Allah Hafiz.